हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर के आए हैं डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जो हमने तैयार किया हुआ है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में पेपर जो है वो आते हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप PGDCA कर रहे हैं या DCA सेकेंड सेम में हैं तो अपने फर्स्ट सेमेस्टर वाले फ्रेंड्स के साथ जो है इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनका फ़ायदा हो जाए। तो अब हम देखते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये इस पेपर का भी जो है टोटल अंक 80 मार्क्स का पेपर होता है, 32 पासिंग मार्क्स होते हैं। और इसमें भी सेम इसी प्रकार से जैसा कि हमने आपको पीसी पैकेज के बारे में बतलाया था, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। यहां पर भी 5 यूनिट होंगी और प्रत्येक यूनिट में अंदर आपको आंतरिक विकल्प दिया होगा और उसके बाद यहां पर इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में भी दिए होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे। तो क्वेश्चंस जो हैं, हमने एक प्रकार से जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने निकाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा सीधा यही क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम पेपर में आएगा। हाँ, इसी क्वेश्चंस को घुमा फिरा करके इसके अंदर से चीज़ें जो हैं ज़रूर पूछी जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे कार्य करता है, इसके सिद्धांत को समझाइए। तो इसके अंतर्गत अब कंप्यूटर सिस्टम कैसे कार्य करता है इससे रिलेटेड आपको कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए, ये भी पूछा जा सकता है। अधिकतर ये ब्लॉक डायग्राम और कंप्यूटर का सिद्धांत क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों को समझाइए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये भी क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। अथवा कंप्यूटर के प्रकार बतलाइए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम की प्राइमरी मेमोरी के बारे में बतलाइए। अब जैसे हमने यहां पर लिखा है कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी, तो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम और रैम और रोम के प्रकार होते हैं। तो अलग से भी पूछा जा सकता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रैम, रोम या रोम के प्रकार लिखिए या रैम के प्रकार लिखिए, क्योंकि ये सभी जो है वो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत ही आते हैं। यूनिट सेकंड में हम देखते हैं कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न इनपुट डिवाइस के बारे में बतलाइए। ठीक है, तो जो जो इनपुट डिवाइस होती है, जैसे ज़्यादातर आप कौन सी इनपुट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, ये सभी इनपुट डिवाइस के बारे में आपको पढ़ करके अच्छे से जाना है। इसी प्रकार से प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट निकलता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन कम से कम आपको तैयार करने ही है, ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट इस यूनिट से, इस पेपर से जो है वो निकल करके आ रहे हैं। अथवा मॉनिटर में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न वीडियो स्टैंडर्ड के बारे में बतलाइए या प्लॉटर क्या है उसके बारे में बतलाइए। चलिए यूनिट थर्ड देखते हैं, ऑप्टिकल डिस्क से आप क्या समझते हैं, ये जो CD, DVD, ठीक है, CDR, DVDR आप इस्तेमाल करते हैं, यही ऑप्टिकल डिस्क कहलाती है, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। तो इसके बारे में अलग से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि बिल्कुल नया टॉपिक है। आजकल जो है SSD हार्ड डिस्क चलती है जिससे कंप्यूटर में डेटा स्टोर करना जो है बहुत फास्ट हो जाता है, डेटा रिट्रीवल फास्ट हो जाता है। तो ये सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में भी जो है एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के बारे में लिखने के लिए आ सकता है। अथवा इस यूनिट में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, इन सभी के बारे में पूछा जा सकता है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर बतलाइए। तो ये सारे क्वेश्चन बनाए कैसे हैं हमने, ये सारे क्वेश्चन जो लेटेस्ट सिलेबस है माखनलाल चतुर्वेदी का, उसके अनुसार ये क्वेश्चन जो है वो बनाए गए हैं, और जो पेपर आता है वो सिलेबस के अनुसार ही आता है, इसी कारण से इन क्वेश्चंस के आने की संभावना है। यूनिट फोर्थ में चलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार की होती है, लाभ व हानि बतलाइए, या लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में बतलाइए, अथवा सॉफ्टवेयर के प्रकार बतलाइए आ सकता है
इस यूनिट में, और इस यूनिट में नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जा सकता है। थोड़ा आसानी क्वेश्चन आता है, फिर भी नंबर सिस्टम के बारे में, उसके कन्वर्जन के बारे में आपको पढ़ के जरूर जाना होगा। यूनिट फिफ्थ में चलते हैं। यूनिट फिफ्थ में नेटवर्क के विभिन्न प्रकार बतलाइए, लैन, मैन, वैन, ये जरूर हर बार पूछा जाता है। या लोकल एरिया नेटवर्क की टोपोलॉजी के बारे में बतलाइए, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ये जो क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला चलते हैं। अथवा कम्युनिकेशन के विभिन्न प्रकार, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये पूछा जा सकता है। या इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे डायल अप, ISDN, PSTN, ये सब कुछ क्वेश्चन में जो है ज़्यादातर आता है। हम आपको बतला दें, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को हमने इस PDF में तैयार करके रखा हुआ है, जो कि DCA फर्स्ट सेमेस्टर माखनलाल चतुर्वेदी सिलेबस के अनुसार है। इस PDF की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा देखिए, इस PDF में क्या है, इस PDF में ये सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो दिए गए हैं। अभी तो हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाए हैं, लेकिन सिलेबस के अनुसार पूरा अगर हम पढ़ेंगे ना, तभी हमारा पेपर अच्छा जाएगा, क्योंकि सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमने क्वेश्चन तैयार किए और उनके आंसर कुछ इस तरीके से तैयार किए हैं। तो ये पांचों यूनिट को हमने यहाँ पर कवर किया है। यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से जाकर के आप इसे जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए देखिए, मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा पेमेंट लगेगा, क्योंकि ये बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, एडिटिंग लगती है, समय देना पड़ता है। तो यदि हम किसी काम को कर रहे हैं, वहाँ से कुछ रिजल्ट ना मिले, तो करने में भी मज़ा नहीं आता। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये छोटी सी PDF के लिए आप जो है चार्ज कर रहे हैं, तो आप लोग ये समझ रहे हैं। इसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, बाकी आपको अगर डाउनलोड करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप लोगों की इच्छा। यहां पर मैं तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में और आगे चल के बतलाऊंगा भी। तो यहां पे आप देख लीजिए कि पूरे सिलेबस को डिटेल वाइज जो है हमने पांचों यूनिट को जो है वो समझाए हुए हैं। नंबर सिस्टम में किस तरीके से नंबर सिस्टम का कन्वर्जन किया जाता है, उसके एग्जांपल भी देकर के बतलाएं, ताकि एक एक एग्जांपल आप करेंगे तो अच्छे तरीके से आपको नंबर सिस्टम भी जो है वो समझ में आ जाएगा। तो ये था कंप्यूटर फंडामेंटल DCA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए।